मैं आपको हमेशा एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ और आपके फेस पर एक सेकंड की भी स्माइल आ जाए तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि आजकल एक स्माइल ही है जो बहुत ही जरूरी है और मैं हमेशा करता रहूंगा। पर ये वीडियो कुछ डिफरेंट है। एक्चुअली आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो। आई थिंक मुझे अपनी ऑडियंस से बात करनी चाहिए कि ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनके कारण सुशांत सिंह ने ये कदम उठाया। एकदम डिफरेंट टॉपिक है, सो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, पर अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो और शेयर करते हो तो मैं भी ना करूं। खैर, पहला तो सब आप जानते ही हो कि नेपोटिज्म, जहां कुछ एक्टर्स को 3-3 अवार्ड्स मिल जाते हैं पर छिछोरे मूवी जैसी मास्टरपीस को एक अवार्ड भी नहीं मिला। सुनने में आया है कि 6-7 फिल्मों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए जाते हैं और इनकी पोस्ट देखने से साफ साफ फील होता है कि ये बंदा भाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं है मेरा जो फ्लॉप फिल्मों पर भी मुझे सपोर्ट करेगा। भाई बात बस इतनी सी है कि हजारों सुशांत होंगे जिन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले की इतनी प्यारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री छोड़ दी जस्ट डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें इंसान सारी उम्मीदें खो बैठता है, जो कि गलत और हराम तो है ही, पर उस टाइम उसे कोई समझाने वाला मिल जाए तो हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ माइंड को कम कर सके। पर आजकल हम लोग किसी से बात करें तो स्टेट ऑफ माइंड सही होगा ना, हमें तो याद भी किसी दूसरे की तब भी आती है जब उससे कोई काम हो, तो क्यों मैं किसी से शेयर करूं फिर। एंड प्लीज कनेक्ट टू योर फैमिली, क्योंकि एक फैमिली है जो आपकी अपनी है, माँ बाप, इनको आपसे कोई लालच नहीं। आप चाहे जितने भी बड़े काम कर लो, जितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाओ, पर सब कामों में इनकी दुआ का असर जरूर होता है, क्योंकि ये आपका हमेशा भला चाहते हैं। तो कनेक्टेड टू देम, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसे आप अपने दिल की बात बताओ। वैसे सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम देखने से ये सीख मिलती है कि भाई लोगों को आपकी वैल्यू तब ही होती है जब आप इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि इस इंसिडेंट से पहले इनके 9 मिलियन फैंस थे। और अब देख लो आप, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा आया और डिप्रेस होने की तरफ गए आप, तो एक बात याद रखना कि अल्लाह कहता है कि ट्रस्ट करो और हैव सम पेशेंस एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, बट ऑल यू हैव टू डू इज नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। मुझे तो कुछ यही मिस्टेक लगी जिनके कारण सुशांत सिंह ने जो किया, क्योंकि वो सोचते थे कि उनका कोई है ही नहीं, क्योंकि एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं और बाकी किसी पर मैं ट्रस्ट नहीं करता। तो जब बंदा ऐसे ही सोचता है तो फिर वो अपने दिल का हाल किसी को भी नहीं बता सकता, और ऐसे ही फिर डिप्रेशन ने टेक ओवर किया। खैर, शेयर करो अगर आपको मैसेज अच्छा लगा हो तो, क्योंकि सच तो यही है कि नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं, यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।